अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलम नवाब, आप देख रहे हैं पी के न्यूज़। नाज़रीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। टीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में इजलास, जिसमें तमाम यूनिट्स से अफसरान और जवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस सियालकोट में डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की ज़ेर सदारत पुलिस इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन, एएसपी, जिला भर के तमाम एसडीपीओज और एसएचओ समेत पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के अफसरान और अहलकारान ने शिरकत की। पुलिस इजलास का मकसद शब रोज़कार सरकार की अंजामदही में मसरूफ़ अफसरान और जवानों के मसाइल को सुनकर हल करना, फोर्स के अफसरान और जवानों से बराह रास्त रब्ता करना और आइंदा की पॉलिसी से आगाह करना है। डीपीओ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से अफसरान और जवानों की प्रमोशन और दीगर वेलफेयर इकदाम से मुतल ब्रीफ किया। पुलिस इजलास में जिला भर से आने वाले अफसरान अहलकारों ने अपने सरकारी और जाती मसाइल पेश किए। टीपीओ ने मौके पर अफसरान और मुलजमान के मसाइल समाप्त करके फौरी हल के लिए मुतलक अफसरान को अहकाम जारी किए। टीपीओ ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर डीपीओ सियालकोट ने कहा, महकमा आपकी वेलफेयर के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है, अब आपको भी मजलूम की दादरसी और शहरियों को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाने के लिए पूरे अजम के साथ काम करना होगा। इजलास के खिताब में डीपीओ सियालकोट ने कहा कि फोर्स का कोई भी अफसर या जवान बगैर किसी रुकावट और झिझक मेरे पास आ सकता है या मुझे कॉल कर सकता है।